सेकेंड मेकानिज्म है रिस्पायरेटरी बफर, यहाँ पर मेन रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो गई है तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के जरिए एक्सहेल किया जाएगा और ये इस तरह एक्सहेल हो जाएगी, इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी तो जो इंक्रीज इन पीएच थी वो डाउन हो जाएगी। या अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है यानी मेकानिज्म रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस को कंपनसेट कर रहा है तो फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा और ये बैकवर्ड आएगा तो इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर होता है मिडुला में, रिस्पायरेटरी सेंटर है मिडुला में, जब भी चेंज इन पीएच होगी तो ये उसको डिटेक्ट करेगा, ये थोड़ी सी चेंज इन पीएच को डिटेक्ट करता है और इसके डिटेक्ट करने के बाद ये रिस्पायरेशन को इंक्रीज करता है या कम करता है। रिस्पायरेशन रेट या तो कम होगा या डिक्रीज या इंक्रीज होगा। यह शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेटरी बफर, ये एक शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है और जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है वो होती है रीनल मेकानिज्म में, यानी रीनल बफर में। फॉर एग्जांपल इधर देखते हैं कि रेड ब्लड सेल और इधर है प्लाज्मा, तो अगर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड से इनसाइड आई और ये यहां कंबाइन करेगी H2O के साथ और ये बन जाएगा H2CO3। अब H2CO3 ये बनाएगा, डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब बाइकार्बोनेट फिर रिएब्जॉर्ब हो जाएगा और इधर अगर राइट इंटर होगा टू कंपनसेट आइंस और ये प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ पर जो H पॉजिटिव है ये मिलेगा हीमोग्लोबिन के साथ और ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है रीनल मैकेनिज्म, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म लॉन्ग एक्टिंग है और ये एक्टिव होता है फ्रॉम आवर्स टू डेज, एक्टिव होता है इन आवर्स टू डेज, इसे एक्टिव होने में बहुत टाइम लगता है और ये लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। अब अकॉर्डिंग टू चेंज इन पीएच किडनी या तो एच पॉजिटिव आयन की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा और इसी तरह बाइकार्बोनेट आयन के रीअब्सॉर्प्शन को या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज, डिपेंड करता है चेंज इन पीएच को कंपनसेट करने में। और एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ये डिपेंड करता है जो चेंज इन पीएच हुई है जिसको वो किडनी कंपनसेट कर रहा है इन लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। तो एक केस को लेते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड की पीएच इंक्रीज हो गई है, पीएच इंक्रीज हुई थी इसका मतलब एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई है तो किडनी एच पॉजिटिव आयन की एक्सक्रीशन को रोकेगा यानी डिक्रीज करेगा क्योंकि वो पहले से ही कम है और रीअब्सॉर्प्शन को कम करेगा, बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्सॉर्प्शन को यहां पर ये कम करेगा क्योंकि पीएच पहले से ही ज्यादा है बेस की तरफ है लिहाजा इसकी रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और एच पॉजिटिव आयन यहां पर इसकी एक्सक्रीशन कम होगी क्योंकि यहां पर एच पॉजिटिव आयन अमोनिया के साथ एक्सक्रीट हो रहा है तो इसकी एक्सक्रीशन को भी रोका जाएगा। ये है रीनल ट्यूबुलर सेल और इधर है ट्यूबुलर ल्यूमन और यहां पर है ब्लड। अब यहां पर मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ एच पॉजिटिव और रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट और एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन की। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि इधर है वाटर प्लस CO2, ये मिलकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड और ये डिसोसिएट होता है तो बनाता है बाइकार्बोनेट आयन प्लस एच पॉजिटिव और इधर फिल्ट्रेट से सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा और इसी तरह बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब होता है और ये जाता है ब्लड की तरफ और ये एच पॉजिटिव इसने एक्सक्रीट होना है और ये मिल जाता है बेस के साथ तो ये बना देता है
और ये एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू यूरिन। ये थी एक्सक्रीशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन थ्रू यूरिन। अब नेक्स्ट देखते हैं रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, वो किस तरह होती है। अब ये है रीनल ट्यूबुलर सेल, यहां पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये कंबाइन करते हैं और ये बनाते हैं H2CO3। अब H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मौजूदगी में डिसोसिएट होगा और ये बना देता है बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव। यहां पर ये रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में और H पॉजिटिव चला जाता है इधर एक्सक्रीट होने के लिए। यहां पर ये पहले से मौजूद बाइकार्बोनेट के साथ चला जाता है और ये कंबाइन करके बनाते हैं H2CO3। अब ये मजीद डिसोसिएट होंगे, ये बना देते हैं H2O+CO2 और ये फिर रीअब्सॉर्ब होते हैं, फिर ये बनाते हैं इस तरह। ये रीअब्सॉर्ब होता रहता है अकॉर्डिंग टू चेंज इन पीएच। अब यहाँ पर ट्यूबुलर ल्यूमेन से सरा ये ब्लड में आ जाएगा। ये था रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अब यहाँ देखते हैं कि एसिडोसिस के केस में अमोनिया किस तरह हेल्प करती है एच पॉजिटिव आयन की एक्सक्रीशन में। अब ये है रीनल ट्यूबुलर सेल, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामीन, जब इस पर एक्ट एसिडोसिस के केस में इस पर एक्ट करता है ग्लूटामिनेज एंजाइम और ये कन्वर्ट होती है ग्लूटामेट में प्लस अमोनिया, ये बन गई अमोनिया और यहां पर ये एक्सक्रीट हुई और यहां पर पहले से मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। अब यहां पर ये कार्बोनिक एसिड बन गया, ये डिसोसिएट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये बना दिया बाइकार्बोनेट प्लस एच पॉजिटिव। अब एच पॉजिटिव एक्सक्रीट हुआ और ये कंबाइन करेगा अमोनिया के साथ और ये बन जाएगा अमोनियम आयन, इस तरह ये एक्सक्रीट हो गया। और यहां पर बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो गया और यहां पर सोडियम भी रीअब्सॉर्ब हुआ। ये था केस जिसमें एसिडोसिस का केस में एच पॉजिटिव आयन की एक्सक्रीशन में अमोनिया हेल्प करता है। और ये डायग्राम लिपिन कॉट में एक पेज पर बनाई गई है।